साथ में आए सबके, तो अब उनका खाना पीना साथ में करेंगे ना, ये लोग निकल गए खाने के लिए। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का नियान की नोक जग भरी छोटी सी दुनिया में। सो गाइस, फाइनली बहुत टाइम बाद नियान फुकर्स अतरंगी अरसलान और मजर गाइस हम लोग सब मिलके प्रैंक करने वाले हैं। मजर राहिला गॉड। हम लोग सब प्रैंक करने वाले हैं निदा, राहिला और आरती पे गाइस, तीनों लड़के। जोहान सो रहा है, जोहान को बताएं, जोहान को बाद में पता चलेगा फ्यूचर में। तो गाइस हम लोग प्रैंक ऐसा सोचे है, मतलब बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि क्या नियान और फुकर्स का झगड़ा हुआ है, है ना गाइस। तो ये चीज झगड़ा नहीं हुआ है बिल्कुल भी गाइस, अभी झगड़ा होगा, अभी होगा। ठंडा हाथ में क्या बोलता हूँ, व्हाइट पहने तो अपुन अच्छे लोग, ये लोग मालिकुल मत कब्स करने हैं खाना खाने गया, मैं सो रहा था, इतने में लोग बाहर निकल गए। मजर का फोन आया कि ये लोग खाना खाने बाहर जा रहे, तो मैं बोला कि चलो ठीक है मैं भी आता हूँ, बट मैंने लोगों को बोला कि तुम लोग निकल जाओ और मैं बाद में आता हूँ। बट ये चीज निदा को नहीं पता, तो निदा को हम लोग ऐसा बताएंगे कि जीशान और अपरेश बिना बताए खाना खाने चले गए, हम लोग बोले नहीं जाएंगे। अब साला मौची छपाक पानी में गई, एक लाफा मारूंगा ना बिखर जाएगा, समझा? तुम जैसे लाइक बार है, लाइक बार है, पर्सनल चलेगा। तो गाइस अभी झगड़ा शुरू करते हैं, ऐसा बताएंगे कि भाई हम लोग को बुलाया यहाँ पर लेकिन साथ में लेके क्यों नहीं गया। तो गाइस शुरुआत करते हैं प्रैंक की, बहुत मजा आएगी, एंड तक जरूर देखना। बस हंसाना मत, अरसलान भाई बस हंसाना मत, नहीं करना बाकी हम लोग झेल लेंगे, सीरियस वाला हम लोग झेल लेंगे। करते हो मतलब नॉलेज के पैटर्न के बात करो यार, लोग खाना पीना साथ में करेंगे ना, ये लोग अबू जब ऊपर थे तो लोग निकल गए खाने के लिए। तो मैं लोगों को बाहर आके बोला अभी कि मतलब उन्होंने पूछे क्यों नहीं, तो बोला हमारी मर्जी, हमारी मर्जी। बच्चे लोग को भूख लग रही थी ना मेरा, तो लेकिन एक फर्ज तो बनता ना, कॉल नहीं किए नहीं किए हमने कॉल किए थे, उल्टी बात क्यों भाई ने टाइम पे हम लोग नहीं चाहते उल्टी बात हो हम लोग के बीच में, ये भाई ने उल्टी बात की अपेक्षा हम लोग के बोले कि तुम लोग क्यों गए, ऐसा धक्का उक्का दे रहे, तो हम लोग धक्का ले ही गए। वैसे बहुत ज्यादा दिमाग खराब है तुम्हारा, ये बोलने का क्या मतलब था कि बैग ले और चल, तुम तो उसको बोला मैंने एटीट्यूड क्या, अरे खाली टच किया मैंने, भाई बताया कि धक्का लगा है, तुमने क्या बोले निदा बैग पैक करो चलो, क्या एटीट्यूड था ये तुम्हारा? अरे एटीट्यूड क्या, नॉर्मल सी बात है भाई, ये क्या बात हुई, नॉर्मल था तुम्हारा? हां नॉर्मल ही था, बोला चलो निकल दे भाई, बस हो गया भाई, कुछ बुरी लगी तो बुरी लगी, बुरी लगी तो हां तुमको अच्छा लग रहा करके ये सब, क्या अच्छा लग रहा है यार, अच्छी नहीं लगती, उल्टी सीधी बात करता है। अरे झूठ बोल रहे हैं लोग यार, मैं उल्टी सीधी बात क्यों करूंगा, मेरी आदत नहीं है उल्टी सीधी बात करने की। आप पीछे झटको मत, आप पीछे झटको मत, आप पीछे झटको मत, आप चले चले बीबी के पल्लू में जा, बीबी के पल्लू में जा, बीबी के पल्लू में जा, ए निकल आप में नहीं, ये सब चल, ये सब करने क्यों नहीं, और तू कहां से ये सब करता है, ये सब उससे क्या बात करो, उससे क्या बात करो, इधर इधर बात करो क्या करने का, बोलो क्या करने का,
समझ में नहीं आ रही है, तुम लोग चुप बैठो, तुमको क्या तुमको क्या नहीं।
बच्चा उठा था ना, तो उल्लू का भी बच्चा था, उल्लू को भी भूख लगी थी, तो हम चले गए जाने, तो हम चले गए शाम में। अरे तुम लोग थोड़ा वेट करना चाहिए था ना, वो बोल रहे हो खाना खा के निकल लो। अरे तो भाई तुम लोग एक घंटे बाद आए, तुमको बोले तो 15 मिनट रुक सकते हो ना। अरे हम लोग को रुकने में प्रॉब्लम नहीं थी, उन लोग के भी तो बच्चे हैं, उन लोग को भूख लगी थी। अरे उन लोग को भूख लगी नहीं थी, भूख लगी थी उन लोग को। मेरा दिमाग खराब है, क्या करना है क्या? अच्छा क्या करना है, क्या करना है? भाभी ने ये भी बोले, भाभी ने कि चलो जाते जाओ 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 जाओ। सो गाइस प्रैंक करते करते हसन भाई के साथ हो गया शॉट। बाहर बॉनफायर कर रहे थे गाइस हम लोग, बॉनफायर का भाई पर वो चिपक गया, क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी का वो। अरे मैं लगाता हूं, रुको रुको रुको, हाथ बताओ, मेरे को नहीं अच्छा लगता। अरे ऐसा क्या हो गया भाई, बस क्या भाई है यार, क्या नहीं भाई, तुम लड़े मेरे लोग से। आपने कौन गाली दिया है सच्ची बोलो। जीशान पक्का तुमने दिए, मैं वहां पर जीशान जाके गया बात करने के, बद्दुआ दिया लगा है, बात चला जाएगा, दर चला, ये लो, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, कोई मसला, ये भी लो, वो थोड़ा जल रहा है बस, वो अभी जलेगा, नॉर्मल हो जाएगा, बस बस ऐसी बैठे रहो, अभी चल रहा है अभी, बस छोड़ दो छोड़ दो। सो गाइस फाइनली निदा पे जो प्रैंक है वो हो चुका है सक्सेसफुल, और हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी गाइस इस प्रैंक बनाने में, और अगर इस पे मिलियन व्यूज नहीं गया क्योंकि इस पे खून पसीना और झगड़े की बात है। सही बात है, सही बात है। निदा हाउ वाज द प्रैंक? बहुत बेकार, तुमको लगता है टुच्चू सी बातों पर झगड़ा करेंगे हम लोग? मेरे को मालूम है तुम लोग कितने समझदार हो, तुम लोग ये सब चीजें कभी नहीं करोगे। मेरे को ये कि कोई एक दूसरे को बोलने ही नहीं करो, मेरा गला बैठ गया, बार बार कर रहे थे पहले, ये भाई ने बदवा दिए, ले ये भाई ने बदवा दिए अरसलान भाई को। बहुत मजा ही, प्रैंक प्रॉब्लम हो गई, एक के हाथ पे लग गई, एक के पैर पे लग गई, मेन मेरे को ये समझ में, जीशान के हाथ पे अरसलान भाई की वजह से लगी, और अरसलान भाई के पैर पे जीशान की वजह से लगी, हो सकता है, हो सकता है बदवा लग गई, कुछ बोला नहीं लेकिन मन की आ लग गई थी अरसलान को, लेकिन मैं मस्ती में कर रहा था, मेरे को नहीं मालूम था, अरे मेरा हाथ हल्का सा जोर से पड़ता तो टूट गया होता अभी तक, कुछ बोला है तुमको, जो भी बोले ऊपर वाले की मार है भाई, और कुछ नहीं, लेकिन मेरे को हाई देना चाहिए तो फूफू कर रहा था। पढ़ के फूक रहे थे भाई, हाँ
गाइस लिटरली आवाज बैठ गई गाइस। इतनी सी छोटी सी बात, इससे बड़ी भी बात अगर होती ना तो इंशाल्लाह हम लोग इसमें लड़ाई कभी नहीं होती, क्योंकि हम लोग दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की तकलीफ में साथ देते हैं। हमें पता है कि जब सामने वाला बिजी है तो हम लोग उसको डिस्टर्ब नहीं करते, उन्हें पता है कि अगर हम बिजी है तो वो हमें डिस्टर्ब नहीं करते। हम जब मिलते हैं टाइम निकालते हैं, इंजॉय करते हैं, बहुत साथ में अच्छे से रहते हैं गाइस। जिंदगी है नहीं बनाते, रात में छोटा सा एक प्रैंक करते, हमने प्रैंक कर दिए तो प्रैंक सक्सेसफुल हुआ, और इसी के साथ ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू एक बार फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर आपके ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। लव यू, अल्लाह हाफिज। Thank you.